नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। सत्ता परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा भाई और किसान भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे सत्ता परिवर्तन पर, आखिर ये क्या कुछ अपने विचार रखते हैं, आइए करते हैं बातचीत। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश पोनिया। तो सत्ता परिवर्तन पर किस तरीके का आप 2022 में होने वाली है? देखिए सर, आपने जो सवाल किया है तो आपके सवाल को सुनकर मुझे चौधरी अजीत सिंह, किसान नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का एक बयान और उनका एक लास्ट स्पीच में उन्होंने ये बयान दिया था वो मुझे याद आता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी कहता है कि ठोक दो, तो अजीत सिंह ने उन्हें जवाब दिया था कि हम सब किसानों से एक अपील करना चाहते हैं कि 2022 में वोट की चोट से इस सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, किसान बहुत दुखी है पूरी तरह से, तो सत्ता का परिवर्तन होगा, किसान मजदूर की सरकार बनेगी और इन ढोंगियों को जहां से ये आए थे वहां इन्हें भेज दिया जाएगा। 2022 में किस तरीके से आपने प्लान बनाया, आपने किसान नेताओं ने, आप आंदोलन में भी कितनी बार गए थे? जी मैं किसान आंदोलन में वहां रहा हूं, निरंतर रहा हूं, कई कई दिन रहा हूं। तो वहां पे किस तरीके की बातें होती रहती थी, क्या कुछ फार्मूला बनाए आपने? देखिए फॉर्मूला ये है कि किसान मजदूर को संगठित होकर इन्हें सत्ता से बाहर करना पड़ेगा और हमें संगठित होकर ही काम करना है, और हमारे अंदर जो आज बहमनस्ता पैदा की है वो इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सरकार ने की है, तो परिवर्तन इस बार होगा, पूरी तरह से परिवर्तन होगा। जब आप आंदोलन में रहे तो क्या कुछ बातें आपको सुनने को मिली, क्या कुछ विचार होते थे, क्या कुछ विचार रखते थे नेता आपके? देखिए वहाँ नेता, जो किसान नेता जो बातचीत करते थे वो इसी प्रकार की बातचीत करते थे, जैसे कि मोदी जी ने गैस पे सब्सिडी दी वो खातों में आती थी, ऐसे ही अगर सारी चीज़ें प्राइवेटाइज होती रहेंगी। अब देखिए आप, मंडियों को तोड़ने की बात की गई है तो प्राइवेट मंडी खोलने की बात की गई है, तो जैसे गैस पर सब्सिडी दी गई थी ठीक है ना, वैसे ही प्राइवेट मंडियों में सब्सिडी, अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी, सरकारी मंडियां टूटने लगेंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, तो क्या होगा, प्राइवेट मंडी बचेंगी, ऑप्शन ही नहीं होगा किसान को कि किसान कहाँ जाए, कहाँ अपनी फसल बेचे, तो किसान तो बाकी में बहुत दुखी है। और जब से सरकार आई है किसान को, किसान का MSP तो मिल ही नहीं रहा है। किस आधार पर आप को एकता को अखंडित किया जाता है, एकता को तोड़ा जाता है? नहीं, हमारे अंदर जात पात और ऊंच नीच ये सारे भेदभाव पूरी तरह से, जो भाजपा IT सेल एजेंडा चलाती है, जनता कहीं ना कहीं उसमें फंसी थी। क्या ये जातिवाद की राजनीति करती है, भेदभाव? हाँ बिल्कुल, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे को खराब करके, लगता है आपको ये? हाँ बिल्कुल लगता नहीं है। किसान आंदोलन में देखने को मिला? नहीं, किसान आंदोलन में हमें कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ किसान आंदोलन में ये सब बात हुई कि भाजपा इस तरीके की? हाँ बिल्कुल, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, किसान आंदोलन में भी ये बातें उभर कर आई थी, जब किसान नेता आपस में बात करते थे तो हम भी वहाँ रहते थे, सुनते थे। आंदोलन को विफल करने की भी कोशिश की? हाँ कई बार ऐसा हुआ कि कई भाजपा के नेता भी उधर पकड़े गए, कई लोग पकड़े गए जो उस आंदोलन की छवि को खराब करना चाहते थे, तो ये चीज़ें सामने आई थी, और भाजपा ने अपना भरसक प्रयास, भरपूर प्रयास किया है आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, नाकाम रही, लेकिन भाजपा नाकाम रही। तो इस बार 22 में क्या परिवर्तन जा रहा है? 22 में सीधा सा है, किसान मजदूर की सरकार बनेगी, हम लोग इकट्ठे होकर खुश रहेंगे, बिल्कुल सब खुश रहेंगे और इन्हें हराएंगे। जी हमारे साथ मौजूद थे युवा भाई और ये किसान भी थे, किसान आंदोलन में भी रहे और इन्होंने अपनी बातचीत रखी, ये उनके खुद के निजी राय थे। इन पर आप क्या सोचते हो कमेंट में अपने विचार बताना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।